उन क्वेश्चंस करेंगे कुछ जो हमने ओम्स लॉ के रिलेटेड कुछ हमने पढ़ाई की थी, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो अब उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैंने कई बार कहा जब तक हम क्वेश्चंस नहीं करते तब तक हम टेस्ट नहीं कर पाते अपने आप को कि हमको कितना आता है। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। सो क्वेश्चन को क्या करना, पहले पढ़ना फिर समझना फिर उसका आंसर निकालना। ठीक है, पहले पढ़ना फिर समझना फिर ये सोचना हमने इसको कहाँ पर इस क्वेश्चन को यूज किया है अब तक, फिर उसके हिसाब से उसका आंसर निकालना। चलो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। इससे पहले हम द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। ठीक है, 60 वोल्ट का क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है। करंट कितना ड्रॉ किया जा रहा है, करंट ड्रॉन फ्रॉम दिस, इतना करंट ड्रॉ, यानी कोई हीटर है, हीटर को अगर आपने इतना पोटेंशियल अप्लाई किया 60 वोल्ट, तो उसने इतना करंट क्या किया विड्रॉ कर लिया। अब ये बताना है अगर आपने इतना वोल्टेज दे दिया तो वो कितना करंट क्या करेगा विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझना पहले। ठीक है, देखो क्वेश्चन को समझना क्या, देखो हीटर तो एक ही है, हीटर तो एक ही है, चाहे करंट आप जो मर्जी, मतलब जो मर्जी पोटेंशियल प्रोवाइड करवाओ और जो मर्जी करंट उसके अंदर आए, लेकिन हीटर क्या है वो एक ही है। तो अगर हीटर चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या कि रेजिस्टेंस सेम रहने वाला है। तो हम क्या करेंगे इन द फर्स्ट केस, कैसे करेंगे, देखो मैं आंसर नंबर 15 करके दिखाता हूँ। यानी आपको पता है जब वी कितना था 60 वोल्ट, तो करंट कितना किया 4 एम्पियर। ठीक है, तो अब क्या करना है अपने को, यहां पर हमें रेजिस्टेंस निकालना पहले तो हीटर का। तो हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, हमने कहां पढ़ा ओम्स लॉ में पढ़ा। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो 60 × 4 × R, R क्या आ जाएगा 15 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा अगले केस के अंदर, V की वैल्यू है 120 वोल्ट, R तो बिल्कुल यही रहेगा 15 ओम। ये रेजिस्टेंस वो मैंने बताना शायद भूल गया था, रेजिस्टेंस का क्या होता है ऐसा यूनिट होता है ये ओम, इसे कहते हैं ओम। तो रेजिस्टेंस का ये क्या ऐसा यूनिट ओम है, हमें करंट निकालना है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर दोबारा लगा दो, V की वैल्यू कितनी है 120, I नहीं पता 15, I कितना हो जाएगा 120/15, ये हो जाएगा 8 एम्पियर। सो समझ में आ गया होगा आई थिंक सो आप सबको कैसे किया जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ सोर्स 220 वोल्ट इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज 1200 ओम। कितना करंट ड्रॉ होगा अगर इतने सोर्स है और रेजिस्टेंस क्या ही है, सीधा आप V इज इक्वल टू क्या करोगे V इज इक्वल टू आई आर लगा दोगे। तो V की वैल्यू तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 220, ये R यहाँ डिवाइड हो जाएगा यानी कि 1200 आ जाएगा। I की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे आप बहुत इजीली 11/60, तो 11/60 करके कुछ क्या हो जाएगा पॉइंट में आंसर निकाल देना, इतने एम्पियर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने करके नहीं दिखाया, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हो आप इसको। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन। अ वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल हैविंग द लेंथ एल एंड क्रॉस, देखो लेंथ क्या है एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, रेजिस्टेंस कितना है उसका 4 ओम है। अब उसने पूछा अगर दूसरी वायर हो सेम मटेरियल की, लेंथ क्या हो जाए L/2 हो जाए, क्रॉस सेक्शन एरिया 2A हो जाए, तो पता लगाओ नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस। ठीक है, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए कि आपको ये बताया जाए कि पहले लेंथ ऐसा था एल ऐसा था तो रेजिस्टेंस ये है, अभी लेंथ एरिया सब चेंज होगी, लेंथ एरिया चेंज होने से क्या होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है ना, बात बताई थी ना मैंने आपको ये। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो आप वो केस मान के चलो जब कुछ भी चीज चेंज नहीं थी,
इनिशियल केस, यानी R इज इक्वल टू क्या था, रो एल बाई ए, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, देखो बताया हुआ है ना यहाँ पर 4, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है, आपको 4 बताया हुआ है। तो ये तो आप क्या करोगे, L by A, this is your equation number 1, जब कुछ भी चेंज नहीं था। अगले केस में आओ, अगले केस में हो गया R dash, तो रो, क्योंकि मटेरियल सेम है तो रो सेम रहेगा। अब L के बदले क्या आ जाएगा, नया लेंथ क्या है, नया लेंथ है आपका L by 2, L by 2 हो गया ना, और नया एरिया कितना है 2A, तो आप क्या करोगे यहां पर, यहां लिखोगे L by 2 और वहीं बगल में A की जगह क्या लिखोगे 2A, तो 2 जा कितने, ये हो जाएगा रो L by 4A, ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 2। आपने दो इक्वेशन बना ली, एक जो चेंज होने से पहले थी, एक चेंज होने के बाद। अब आप 1 और 2 को डिवाइड कर दो, डिवाइड 1 एंड 2, तो आपका हो जाएगा 4 बाई आर डैश इज इक्वल टू रो एल बाई ए रो एल बाई 4A। तो जब हम इन दोनों को ऊपर लेके चले जाते हैं इस पूरी चीज को, तो क्या होता है, इनवर्स हो जाता है। कैसे इनवर्स होता है दिखाता हूं, देखो 4 बाई आर डैश, यहां ऊपर क्या था रो एल बाई ए, नीचे वाली चीज जब ऊपर जाती है तो इनवर्स हो जाती है, 4A ऊपर, यहां जो ये जो यहां क्या दिख रहा है आपको डिनोमिनेटर, ये ऊपर पहुंच के न्यूमिनेटर बन जाएगा, जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह गया 4 बाई आर डैश, यहाँ रह गया 4 बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे तो हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4 आर डैश, आर डैश कितना हो जाएगा 4 बाई 4, आंसर क्या आ जाएगा 1 ओम। यानी कि अगर आपके लेंथ को हाफ कर दिया और क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर दिया, तो रेजिस्टेंस जो पहले 4 था जिस वायर का, उसका रेजिस्टेंस अब क्या हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। और ये जो बाकी क्वेश्चन है, ये आप, ये जो एक क्वेश्चन रह गया, ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क आपको दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। दो क्वेश्चन इसमें से आपको करने, देखो इसमें क्वेश्चन बहुत इजी है, रो की वैल्यू गिवन है, रेजिस्टिविटी गिवन है आपको, और डायमीटर गिवन है, मैंने कहा था डायमीटर से एरिया निकाल लेना, एरिया से क्या होगा आपको एरिया पता लग जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना है एमएम में है, इस एमएम को पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आर की वैल्यू गिवन है, लेंथ निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है, सीधा फॉर्मूला पुट करना आंसर आ जाएगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कुछ कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है बता देता हूं, हमने आर की यानी कि रेजिस्टेंस का जो होता है ऐसा यूनिट वो क्या होता है ओम, इसे कहते हैं ओम, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है ओम मीटर, ध्यान रखना इसका भी। एक बात का और ध्यान रखना, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता था, लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे, लेकिन जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट लेंथ, सपोज यू हैव अ वायर एंड द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज बाय 3 times, तो व्हाट इज द चेंज कमिट्स इन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, तो क्या चेंज आएगा उसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों के अंदर, अगर लेंथ को 3 times इंक्रीज कर देंगे, तो रेजिस्टेंस का जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो रेजिस्टेंस 3 times इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर से ही चेंज होती है, ध्यान रखना इस बात, ठीक है।
सो आई होप ये समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस आपको। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। आपको कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में अपने, ठीक है। सो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, और आज के लिए बस इतना ही बहुत है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।